हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक डेली एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, यह सीजन 2 का पार्ट 7 है। अगर आपने 6 पार्ट तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के पार्ट अटेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। स्क्वेयर्स का संरक्षण निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है चीनी, बी में दिया है साइट्रिक एसिड, सी में दिया है पोटेशियम मेटाडाइसल्फाइड और डी में दिया है एस्कार्बिक एसिड। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस। क्विज नंबर 1 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया, पोटेशियम मेटाडाइसल्फाइड, उन सभी का आंसर राइट है। जो स्क्वैश होता है, स्क्वैश उसका जो हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं वो हम पोटेशियम मेटाडाइसल्फाइड उसमें मिलाकर करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अमलतास, ठीक है ना, अमलतास जो फ्लावर होता है उसके पुष्पों का रंग कौन से कलर का होता है, ये पूछा जा रहा है। फ्लावर कलर ऑफ अमलतास ट्री इज, ऑप्शन ए में दिया है लाल, बी में दिया सफेद, सी में दी गुलाबी और डी में दिया है पीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर फ्लोरिकल्चर जो होता है उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। तो बतलाइए अमलतास के पेड़ के पुष्पों का जो कलर होता है वो कौन सा होता है। टाइम ऑफ होता है डियर ग्रियंस। जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया क्विज 2 का, उन सभी का आंसर राइट है। अमलतास के पुष्पों का जो रंग होता है वो येलो कलर का होता है, पीला रंग का होता है, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके स्क्रीन पर कि एक अच्छा जल निकास किसको प्रभावित नहीं करता है। ए गुड ड्रेनेज डज नॉट इफेक्ट दिस। ऑप्शन ए मृदा में वायु संचारण, बी में दिया जड़ वेधन, सी में दिया मृदा संरचना में सुधार या फिर उसके में विकास और डी में दिया है पौधों की सुविकास। तो बतलाइए क्विज 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस। और क्विज नंबर 3 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है मृदा संरचना में विकास, उन सभी का आंसर क्या है जी, राइट है। एक अच्छा जो जल निकास होता है, जो ड्रेनेज होता है, वो आपके मृदा संरचना में प्रभाव नहीं डालता है, ओके ना। सो ऑप्शन 3 क्विज नंबर 3 के लिए राइट आंसर आज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मृदा संरचना जो में जो विकास है इस पर आपका जो प्रभाव नहीं डालता कौन सा, एक गुड ड्रेनेज सिस्टम, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। और ऑप्शन ए में दिया हरित क्रांति धान्य उत्पादन, श्वेत क्रांति, बी में दिया है अंडा उत्पादन, सी में दिया नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, डी में दिया है इंद्रधनुष क्रांति समस्त कृषि उत्पाद उत्पादन। तो बतलाइए इनमें से कौन सा ऐसा जो युग्म है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस। और क्विज नंबर 4 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया श्वेत क्रांति, उन सभी का आंसर राइट है। जो श्वेत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित नहीं होता है। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। तो यहां पे क्विज 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ये रहा आपके स्क्रीन पर। जल निकास गुणांक है, ड्रेनेज कोफिशिएंट इज, ऑप्शन ए एक घंटे में जल निकास की गहराई मीटर में, या फिर एक घंटे में जल निकास की गहराई सेंटीमीटर में, या फिर 24 घंटों में जल निकास की जो गहराई वो सेंटीमीटर में, या फिर ऑप्शन डी में दिया है मीटर में, 24 घंटों में जल निकास की गहराई मीटर में। तो बताइए जो जल निकास गुणांक होता है वो इन ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा जी। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 5 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है 24 घंटों में जल निकास की गहराई मीटर में, उन सभी का आंसर राइट है। जो जल निकास गुणांक होता है उसका मतलब होता है कि 24 घंटे में जल निकास की गहराई मीटर में, ओके ना, याद रखिएगा सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पर। धान मटर गन्ना और गन्ने की पेड़ी का फसल चक्र होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और पढ़ रहा हूँ। धान मटर गन्ना गन्ने की पेड़ी का फसल चक्र होता है, क्रॉप रोटेशन राइस पी सुगर कैन इज, ऑप्शन ए एक साल का होता है, दो साल का होता है, तीन साल का होता है, या फिर चार साल का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर हो गया, इस पर ध्यान ना दें, यहाँ पे सही है एबीसीडी, तो इसको आप देख के कमेंट करके बतलाइए क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या बन जाएगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 6 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है 3 ईयर, तीन साल, उन सभी का आंसर राइट है, ओके ना। यहां पर देखिए गन्ना मटर और आप सॉरी धान मटर और आपका जो गन्ना है ये तो आपका, देखिए धान और जो मटर है ठीक है ना, ये आपके चार चार साल मतलब चार चार महीने की जो फसल है ये होती है, ठीक है। धान आपका खरीफ में उगाया गया था, मटर आपका किस में उगाया गया था, तो मटर आपका उगाया गया था रबी में, ओके ना। अब एक आपका चार महीना और जो बच गया उसको परती छोड़ दिया गया था, ठीक है ना, उसको यहाँ पे बताया नहीं गया है। अब जो गन्ना है ठीक है, गन्ना एक साल की फसल होती है, तो गन्ना उन्होंने एक बार लगा दिया दूसरे ईयर में, उसके बाद गन्ने की पेड़ी यानी कि गन्ने की पेड़ी को भी उन्होंने फिर से वहां पे लगा दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्विज नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3 ईयर, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन हो जाएगा वो आपका 3 ईयर का बन जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है। याद रखिए एक ही टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अंतरा सस्यन, बी फसल चक्र, सी मिश्रित खेती, और डी में दिया है समोच्च खेती। तो बतलाइए क्विज 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 7 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है इंटरक्रॉपिंग अंतरासस्यन, उन सभी का आंसर राइट है। कोई भूमि है अगर उसमें उसके एक ही टुकड़े पर हम दो या दो से अधिक फसल लगाए तो उसे हम अंतरासस्यन कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रहा है कि मिश्रित खेती क्यों नहीं है, अरे तो मिश्रित खेती किसको बोलते हैं, अगर हम कृषि के साथ साथ जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन मछली उत्पादन हो गया, तो वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। सो क्विज 7 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्रॉस स्टॉप उपकरण का उपयोग होता है, क्रॉस स्टॉप इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, ऑप्शन ए में दिया है अनुमानित क्षैतिज कोण को मापने के लिए, बी में दिया है समकोण को मापने के लिए, सी में दिया है लाइंस की बियरिंग्स को मापने में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बताइए क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। क्रॉस स्टॉप जो उपकरण होता है, यंत्र होता है, उसका उपयोग किस में किया जाता है।
टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया, समकोण को मापने में, उन सभी का आंसर राइट है। आपका जो क्रॉस स्टॉप उपकरण होता है वो किसको, सो समकोण को मापने में उपयोग किया जाता है, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अरहर को सामान्यतः जाना जाता है पिजन पी कॉमनली नॉन एस। जो अरहर होता है आपका, ठीक है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, रेड ग्राम के नाम से, ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम या फिर हॉर्स ग्राम के नाम से। तो बतलाइए अरहर को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस और क्विज नंबर 9 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया रेड ग्राम के नाम से, उन सभी का आंसर राइट है। अरहर को सामान्यतः रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गाजर का बीज दर है लगभग, सीड रेट ऑफ कैरेट इज अबाउट। ऑप्शन ए 2 kg पर हेक्टेयर, बी 4 kg पर हेक्टेयर, सी 6 kg पर हेक्टेयर और डी 8 kg पर हेक्टेयर। तो बतलाइए जो आपका कैरोट है उसका सीड रेट कितना होता है लगभग। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस और क्विज नंबर 10 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है 4 kg, उन सभी का आंसर राइट है। आपका जो गाजर का बीज दर होता है वो 4 kg प्रति हेक्टेयर लगभग होता है। सो सभी याद रखिएगा इसको। सो डियर एग्रीएंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो लाइक करना, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्विज टेस्ट कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय जवान जय किसान दोस्तों।